इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सैटेलाइट ट्रांसपोंडर के बारे में। ये ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ है यहाँ पर सैटेलाइट ट्रांसपोंडर का। तो ये आपका सैटेलाइट एंटीना लगा हुआ है, ये क्या करेगा, अपलिंक फ्रिक्वेंसी पर सिग्नल को रिसीव करेगा। अपलिंक फ्रिक्वेंसी आपकी क्या होगी, 6 GHz होगी, उस पर सिग्नल को रिसीव करेगा, उसके बाद उसको डाउनलिंक करके ट्रांसमिट करेगा। तो अब देखिए ट्रांसपोंडर आपका होता क्या है। तो ट्रांसपोंडर बेसिकली क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है ट्रांसमीटर एंड रिसीवर का, क्योंकि ट्रांसपोंडर दोनों काम करता है, रिसीव भी करता है और ट्रांसमिट भी करता है। इसलिए जो कॉम्बिनेशन होता है ट्रांसपोंडर का, हम कह सकते हैं कि ट्रांसपोंडर या कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। तो अगर कॉम्बिनेशन कहीं पे यूज़ हो रहा है दैट मीन्स कि वो ट्रांसपोंडर की तरह काम कर रहा है। ट्रांसपोंडर का काम क्या होता है, ये सिग्नल को क्या करेगा, रिसीव करेगा, उसको एम्पलीफाई करेगा, उसके बाद फ्रिक्वेंसी को शिफ्ट करेगा या फिर फ्रिक्वेंसी को ट्रांसलेट करेगा, देन उसको सेंड बैक कर देगा अर्थ स्टेशन को। तो ये जो आपका सैटेलाइट एंटीना लगा हुआ है ये क्या करेगा, अपलिंक फ्रिक्वेंसी पर सिग्नल को क्या करेगा, रिसीव करेगा। तो हम कह रहे हैं कि ये आपका अपलिंक फ्रिक्वेंसी है 6 GHz, इस पर ही सिग्नल को रिसीव करेगा, 6 GHz पर सिग्नल को रिसीव करेगा। उसके बाद ये एंटीना या जो ट्रांसपोंडर लगा होगा यहाँ पर, वो क्या करेगा, उसको डाउनलिंक फ्रिक्वेंसी में कन्वर्ट करेगा, मतलब 4 GHz की फ्रिक्वेंसी में कन्वर्ट करेगा, उसको सेंड कर देगा। तो ये जो आपका डाइप्लेक्सर लगा हुआ है, डाइप्लेक्सर क्या काम करता है, यहाँ पर इस सिग्नल को, जो भी आपका डाउनलिंक सिग्नल आया हुआ है, इसको लो नॉइस एम्पलीफायर में क्या करेगा, सेंड करेगा। और ये आपका पावर एम्पलीफायर लगा हुआ है। तो डाइप्लेक्सर का बेसिकली काम क्या होता है कि ये लो नॉइस एम्पलीफायर और जो पावर एम्पलीफायर होता है, इसमें आइसोलेशन प्रोवाइड कराता है, और उसके साथ साथ जो आपका डाउनलिंक फ्रिक्वेंसी है उसको क्या करेगा, लो नॉइस एम्पलीफायर की इनपुट में अप्लाई करेगा, जिससे कि ये जो आपका सिग्नल आया है, क्योंकि ट्रांसपोंडर का काम क्या हुआ कि वो क्या करेगा कि सिग्नल को रिसीव करेगा, उसका एम्पलीफिकेशन भी करेगा। तो सिग्नल को उसने डाउनलिंक में कन्वर्ट तो कर दिया, मतलब कि फ्रिक्वेंसी ट्रांसलेशन हो गया, फ्रिक्वेंसी का शिफ्टिंग हमने देख लिया कि ये जो आपका सैटेलाइट एंटीना लगा हुआ है वो क्या करेगा, सिग्नल को अपलिंक फ्रिक्वेंसी पे रिसीव करेगा और उसको डाउनलिंक फ्रिक्वेंसी पे कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद क्या करेगा, इस डाउनलिंक फ्रिक्वेंसी को लो नॉइज एम्पलीफायर में सेंड करेगा, मतलब कि अब एम्पलीफिकेशन का काम स्टार्ट होगा। लो नॉइज एम्पलीफायर क्या करेगा, ये जो आपका डाउनलिंक सिग्नल आ रहा है यहाँ से 4 GHz का सिग्नल आ रहा है, इस डाउनलिंक सिग्नल को लो नॉइज एम्पलीफायर में देगा, और लो नॉइज एम्पलीफायर क्या करेगा, इस सिग्नल को एम्पलीफाई कर देगा। अब ये जो सिग्नल आपका एम्पलीफाई होकर के आ रहा है, तो ये 4 GHz का सिग्नल आपको यहाँ पर मिलेगा, लेकिन एम्पलीफाइड मिलेगा। अब देखिए ये आपका मिक्सर कनेक्टेड है, मिक्सर क्या करता है, सम और डिफरेंस दोनों जनरेट करके देता है। तो मिक्सर के लिए दो इनपुट होनी चाहिए, एक इनपुट तो आपका वही हो गया जो आपका डाउनलिंक फ्रिक्वेंसी आई है एम्पलीफाइड होकर के, वो है मतलब कि नॉइज वाइज जो भी आपका था उसको सब क्या कर देगा, वो हटा देगा। अब आपका जो भी सिग्नल रिसीव हुआ है, और दूसरा आपका इनपुट क्या है कि लोकल ऑसिलेटर है जो कि 2 GHz की फ्रिक्वेंसी जनरेट कर रहा है। तो मिक्सर अब क्या करेगा, दो फ्रिक्वेंसी उसको क्या करता है, सम और डिफरेंस जनरेट करता है। तो यहाँ से ये दो फ्रिक्वेंसीज जनरेट करेगा, एक तो 6 GHz की फ्रिक्वेंसी जनरेट करेगा और एक 2 GHz की फ्रिक्वेंसी जनरेट करेगा। तो यहाँ से आपको जिस फ्रिक्वेंसी की रिक्वायरमेंट है उस फ्रिक्वेंसी को आप क्या करिए, चूज़ करिए और पावर एम्पलीफायर को दीजिए। पावर एम्पलीफायर क्या करेगा, उस सिग्नल को एम्पलीफाई करेगा, उसके बाद डाइप्लेक्सर को सेंड कर देगा। डाइप्लेक्सर क्या करेगा, आपका ट्रांसपोंडर जो भी आपका एंटीना है, ट्रांसमिटिंग एंटीना है, उसको सेंड कर देगा। तो यहाँ से हम सम वाला सिग्नल चूज़ करेंगे, तो ये 6 GHz की फ्रिक्वेंसी पर क्या करेगा, सिग्नल को सेंड कर देगा। तो ये पूरा प्रॉपर फंक्शन होता है ट्रांसपोंडर का, कि जो एंटीना है वो सिग्नल को क्या करेगा, ट्रांसमिट करेगा अपलिंक फ्रिक्वेंसी और डाउनलिंक फ्रिक्वेंसी पर उसको सेंड बैक कर देगा, फिर उसको एम्पलीफाई किया जाएगा। एम्पलीफायर क्या करेगा, उस सिग्नल को एम्पलीफाई करेगा। मिक्सर क्या करेगा, आपका सम एंड डिफरेंस जनरेट करके देगा। अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट आप सम या डिफरेंस दोनों में से किसी एक सिग्नल को यूज़ कर सकते हो। पावर एम्पलीफायर क्या करेगा, इन दोनों को, मतलब जो भी आप सिग्नल यहाँ से ट्रांसमिट करोगे उसको एम्पलीफाई करके डायप्लेक्सर पे भेज देगा। तो डायप्लेक्सर का जो काम है वो क्या करेगा, आइसोलेशन प्रोवाइड कराएगा आपको। लो नॉइज एम्पलीफायर जो है पावर एम्पलीफायर है, क्योंकि दोनों ही क्या है, आपके एम्पलीफायर है, तो एक आइसोलेशन होना चाहिए दोनों के लिए। अब यहाँ पर जो आपका ट्रांसपोंडर है वो कभी भी सेम फ्रिक्वेंसीज को ना तो मतलब सेम फ्रिक्वेंसीज पर ट्रांसमिशन और रिसेप्शन नहीं कर पाता है, इसलिए हमें जो सिग्नल हमें मिल रहा है अपलिंक और डाउनलिंक फ्रिक्वेंसीज को डिफरेंट इसीलिए रखा जाता है। एक तो इंटरफेरेंस ना हो, इस ये कारण होता है कि हमारा अपलिंक फ्रिक्वेंसी और डाउनलिंक फ्रिक्वेंसी डिफरेंट होती हैं, और दूसरा ये है कि जो ट्रांसपोंडर है वो कभी भी सेम फ्रिक्वेंसीज पर ट्रांसमिशन और रिसेप्शन कर ही नहीं पाता है, इसलिए डाउनलिंक फ्रिक्वेंसी और अपलिंक फ्रिक्वेंसी हमारी डिफरेंट रखी जाती हैं। तो ये था आपका बेसिक फंक्शन सैटेलाइट ट्रांसपोंडर का।